हेलो, कैसे हो आप? आप सबका खुर्शीद के किचन में तहे दिल से इस्तकबाल है। आज मैं आपको एक समर कूल स्पेशल रेसिपी दिखाने वाली हूँ, वो है रूह अफ़ज़ा लेमन, बिल्कुल सिंपल और जायकेदार। चलो किचन की ओर। क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं देखेंगे हम। मेन इंग्रेडिएंट्स ये है रूह अफ़ज़ा, पानी, काला नमक, पुदीना, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, इलायची पाउडर, चाशनी लींबू के साथ, ये सब्जा बींज, ये ड्राई फ्रूट है बादाम और ये जेली चिप्स है, ये सिर्फ चाशनी है। मिक्स करेंगे। 3 ग्लास है इसलिए हम इसको 3 चमचे रूह अफ़ज़ा लेंगे। इसमें अपने जायके के अनुसार शक्कर का पार्ट, जिसमें लेमन है, लेमन जूस और शक्कर सेम सेम डाले हैं। ये सब्जा बीज, इलायची पाउडर, काला नमक, ये जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च, ये जेली डायमंड चिप्स, ये पुदीने का पत्ता। पुदीना पत्ता बहुत ठंडा रहता है सेहत के लिए और टेस्ट को बहुत अच्छा, हाजमे के भी अच्छा। अभी इसमें गुलाब के पंखुड़े धो के रखी हूँ, ये डालेंगे थोड़ा डेकोरेशन के रखेंगे तो कितना अच्छा लगता है। ये ऑप्शनल है, ड्राई फ्रूट डालना डालो, नहीं डालना तो नहीं डालो। हम इसको सर्व करेंगे ग्लास में, बहुत ही कूल कूल ठंडा ठंडा। इसमें लेमन की टेस्ट है, गुलाब की टेस्ट है और पुदीने की टेस्ट है, लाजवाब टेस्ट है। ये पियेंगे तो दिल बहुत खुश हो जाएगा, दिल दर हो जाएगा इंशाल्लाह। रूह अफ़ज़ा लेमन शरबत बनके तैयार है। ये बनाओ, पियो, पिलाओ, खाओ पियो, मजे से रहो।